सॉरी मिस्टर रोमन, हम हमारी पूरी कोशिश किए लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? तीन दिन हो गए, तुम अपने आप को कैसे संभाल रहे हो? मेरा तो बस एक ही सवाल है, उसने उसे ही क्यों लिया? इस दुनिया में जो पैदा होता है वो कभी ना कभी मरता है। आज की जैसी उदासी बाकी दिनों के साथ मिल जाती। तुम खुद को दोष देना बंद करो। तुम यहाँ क्यों आए हो मार्क? बस एक पुरानी दोस्त की खबर लेने आया हूँ। गुड बाय रमन। मिस्टर रोमन। हाँ सर, आपका पार्सल आया है, इसमें साइन कीजिए। सर ओपन। ओह सॉरी। ए लीजिए सर। गुड नाइट सर।
डियर रोमन, मुझे माफ़ करना, मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं। ये बीमारी बहुत वक्त से हमारे ऊपर छाई हुई थी, अब मुझे शांति मिल गई। तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है, इसका ख्याल रखना और अपने अकेलेपन को दूर रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे प्यारे से सलीना। मैं उठ गया। क्या हुआ, भूख लगी है? चलो तुम्हारा खाना लेके आते हैं। चला ऐस करते करते कैश ही खत्म हो गया। अब रात की पार्टी के लिए पैसे तो चाहिए होगा ना। तू रुक, मैं पैसे निकाल के आता हूँ। ठीक है, जल्दी लेके आ। अच्छी कार है। शुक्रिया। कितने में बेचेगा? ये बिकाऊ नहीं है। क्या पता इतना पैसा काफी होगा कि नहीं। जो चीज मुझे पसंद आता है उसे मैं हासिल करके रहता हूँ। माफ करना पर ये बिकाऊ नहीं है। मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। हर चीज की कीमत होती है नामुराद। इस नामुराद की नहीं है। छोड़ मुझे, ये समझते क्या अपने आप को? तुम हट, इसे मैं बात करता हूँ। आपका दिन शुभ हो सर। आ
वजह से मार उसको। चुप करा वो कमबख्त कुत्ते को। तुझे पता भी है तूने किससे पंगा लिया है? काश तूने सुबह मान लिया होता, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम जो चाहते हैं उसे हासिल करके रहते हैं। बस बहुत हुआ, जा के ऊपर से चाबी ले जा। आप इसका क्या करें? इसे छोड़ देते हैं, इसे भी तो पता चले इसने किससे पंगा लिया था। अब चलो चुपचाप। इसका अच्छे से ख्याल रखना रोमन, इससे ऐसे समझना जैसे कि मैं आपके पास हूँ।